रुक करेंगे आज की खास खबर की ओर, जहां बनभूलपुरा हिंसा के एक हफ्ते हो चुके हैं। हिंसा के चलते बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू जारी है। गुरुवार को जिला मजिस्ट्रेट ने कर्फ्यू में 2 से 7 घंटे की छूट देने के बाद हालात सामान्य होने के बाद शुक्रवार को अलग अलग जगहों में कर्फ्यू में 3 से 8 घंटे की ढील दी है। कर्फ्यू में छूट के दौरान बाहरी आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। ढील अवधि के दौरान सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन इंटरनेट सेवा पूर्ण रूप से बंद रहेगी। तो वहीं एडीजी प्रशासन अमित सिन्हा ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में स्थापित नई अस्थायी पुलिस चौकी का जायजा लिया, और साथ ही उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी वंदना सिंह के द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार शुक्रवार को गौजा जाली शनि बाजार के उत्तरी क्षेत्र रेलवे बाजार रोड से पश्चिम दिशा का पूरा क्षेत्र गोलच्छा कंपाउंड स्थित एफसीआई क्षेत्र में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक छूट रहेगी, जबकि बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के अन्य क्षेत्र में कर्फ्यू में 3 घंटे से ढील दी गई है। जहां सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी, इस दौरान क्षेत्र में रहने वाले लोग वहां के लोगों में क्षेत्र में जा सकते हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि हालात सामान्य हो रहे हैं, परिस्थितियों के अनुसार कर्फ्यू में समय के अनुसार कर्फ्यू में आगे ढील दी जाएगी। गौरतलब है कि 8 फरवरी को हल्द्वानी में बनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मलिक के बगीचे में सरकारी भूमि पर बने अवैध नमाज स्थल को मदरसा हटाने के दौरान बवाल और आगजनी हुई थी, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई, जबकि सरकारी और निजी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा है। पुलिस प्रशासन उपद्रवियों को चिन्हित कर उनको जेल भेजने का काम कर रही है। बनभूलपुरा क्षेत्र में हालात सामान्य हो रहे हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि हालात सामान्य रहे तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिन का कर्फ्यू हटाया जा सकता है। एडीजी प्रशासन ने निरीक्षण किया, जहां एडीजी प्रशासन अमित सिन्हा ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में स्थापित नए अस्थायी पुलिस चौकी का जायजा लिया, और साथ ही अमित सिन्हा ने नए थाने के लिए आवश्यक निर्धारित मानकों के संबंध में प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सर, ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, ये कुछ शरारती तत्व ने प्रशासन के ऊपर हमला करा, जिसमें कि छोटे छोटे नाबालिग बच्चे जिनको उकसाने का कुछ काम किया गया है कुछ की तरह से, और ऐसा कुछ इसमें सर हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा नहीं है। इस वक्त हालात जो है सामान्य है, जो उस दिन की घटना है उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं, और जो दोषी हैं उनको हम सख्त से सख्त कार्रवाई दिलाने का प्रयास करेंगे, और जो लोग यहां पर बेकसूर हैं उनके लिए हम सरकार से, जो हमारे शासन के लोग हैं वो हमारा फुल सहयोग कर रहे हैं, हम उनसे भी यही विनती करेंगे हाथ जोड़ के कि जो लोग बेकसूर हैं उनको बिल्कुल बाइज्जत बरी करा जाए। कौन लोग थे वो, एकदम से क्या बाहर से? वो जाँच का विषय है, उसमें हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को एक ज्ञापन भी दिया है, जो उसमें जाँच होगी हमें जाँच के ऊपर फुल विश्वास है, यहाँ के शासन प्रशासन के ऊपर